Hello everyone, this is Vivek Kumar. Today I will going to discuss about the chapter number 1st of class 12th subject biology. Chapter number 1st is reproduction in organism. Okay, so some topics to be covered in this lessons. Most important topics are asexual reproductions, and in this topic we will discuss about the fission, budding, fragmentation, vegetative propagation, and then sexual reproductions and pre-fertilization event, fertilization and post-fertilization event. Okay, so let's start the chapter. So firstly we will discuss about the meaning of the name of chapter. Okay, so reproduction ka matlab kya hota hai, dekhiye. It is a process by which living organism produce new organism similar to themselves. Okay, matlab लिविंग ऑर्गेनिज्म एक ऐसी प्रोसेस करते हैं जिससे वो अपनी जैसे ही दिखने वाले सिमिलर प्रोसेस करने वाले फंक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करते हैं. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन. ओके, अब बात करते हैं कि क्वेश्चन सबसे पहले क्या आता है कि व्हाई इज रिप्रोडक्शन नेसेसरी, रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है. ओके, तो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी होता है, क्योंकि रिटेन अ पर्टिकुलर स्पीसीज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके, एक स्पीसीज की को रिटेन करना, दोबारा से प्राप्त पाने के लिए या अपनी स्पीसीज को बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. ओके, दूसरा है ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर. ठीक है, ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर मतलब एक अपने करैक्टर्स को अपनी जनरेशन से अपने नेक्स्ट जनरेशन में पहुँचाना, उसको ट्रांसमिट करना, इसलिए रिप्रोडक्शन जरूरी होता है. और तीसरा होता है वेरिएशन. ठीक है, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, चेंजेस, लॉट्स ऑफ चेंजेस. ठीक है, जैसे जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिलता है. मतलब एक स्पीसीज से एक जनरेशन से हम अगले जनरेशन में जब जाते हैं प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें हमें लिटिल बिट वेरिएशन देखने को मिलता है. वेरिएशन को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. वेरिएशन मैंने बोला कि वेरिएशन मतलब होता है चेंजेस, वेराइटी. ठीक है, तो नई स्पीसीज में चेंजेस आएगा तो क्या बेनिफिट होगा उससे. ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन की. वेरिएशन से क्या 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 उसके सिग्निफिकेंस है. ठीक है, तो क्या क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम्स गिव राइज टू न्यू स्पीसीज. ठीक है, अगर ऐसी ही प्रोसेस चलती रहे, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस चलती रहे और हर जनरेशन में थोड़ा बहुत वेरिएशन आता रहे तो फाइनली हमें एक न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज हमें देखने को मिलती है. ठीक है, एंड हेल्प इन अ सर्वाइवल ऑफ अ स्पीसीज ओवर टाइम. और ये एक स्पीसीज को हेल्प भी करती है एक अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए. ठीक है, अलग अलग उसमें करेक्टर्स डेवलप होते हैं, अलग अलग उसमें उसके इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो सीखता है. ठीक है, वेराइटी लाता है, वेरिएशन लाता है और एक नई स्पीसीज हमें देखने को मिलती है. ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की. मतलब कितने टाइप का रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है. ठीक है, तो दो टाइप की बेसिकली रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक सिंगल ऑर्गेनिज्म अपने अपने आप को प्रोड्यूस करता है और अपने जैसे ही दिखने वाले सिमिलर दिखने वाले ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है, उसको बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इसमें सिर्फ एक सिंगल ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है. ठीक है, जैसे कि ये प्रोसेस जो होती है वो छोटे ऑर्गेनिज्म में होती है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस और आपके प्रोटोजोअन, इनमें होती है. ठीक है, जैसे हम बात करते हैं किसकी, अमीबा की. ठीक है, अमीबा एक ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दिखाता है. ये अपने आप को डिवाइड करता है, एक से दो सेल बनाता है. ठीक है, ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनाता है. ये बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होगी. ये जो डॉटर सेल दो आपके दिख रहे हैं, आपके दो इसके डॉटर सेल दिख रहे हैं, वो आपके सीधे सीधे पेरेंटल सेल की तरह एग्जैक्ट कॉपी होंगी. ठीक है, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यहाँ पे दो इंडिविजुअल की जरूरत होगी. ठीक है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्स को कैरी करेंगे. ठीक है, मेल और फीमेल को. एक एग्जांपल के थ्रू इसी फिगर में मैं आपको समझा दूँ. ठीक है, मान लीजिए यह है मेल, इसको साइंस से शो कर रहा हूँ, और यह है फीमेल, साइंस से शो करता है. ठीक है, ये दोनों क्या करेंगे, रिप्रोडक्शन करेंगे. ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करेंगे
जो कि या तो होगा मेल या फिर होगा फीमेल, ठीक है, और उसमें थोड़ा सा चेंजेस होंगे, इसी की तरह ना हो करके ये थोड़ा सा क्या होगा, इसमें वेरिएशन आएगा, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, अब बात करते हैं इन दो टॉपिक्स को और डिटेल में थोड़ा सा, ठीक है, इनके क्या क्या मोड होते हैं, कौन कौन से इसमें और मेथड होते हैं जिससे ये प्रोसेस होती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल आर फॉर्म्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से एक नए इंडिविजुअल बनने को हम क्या बोल, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज न्यू इंडिविजुअल आर आइडेंटिकली टू द पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स की तरह बिल्कुल ही सेम होगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था अमीबा का एग्जाम्पल दे करके, ठीक है। जो डॉटर सेल है, जो डॉटर आपका इंडिविजुअल है, वो क्या होगा, बिल्कुल सेम होगा पेरेंट की तरह, आइडेंटिकली सेम होगा, जहाँ पे आप डिफरेंशिएटेड दोनों को नहीं कर सकते कि कौन पेरेंटल सेल है और कौन आपकी डॉटर सेल है। ओके, उसको हम क्या बोलते हैं, जो सेम होता है दिखने का, उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल जिसमें दो डिफरेंस नहीं होता, उनको हम बोलते हैं क्लोन, ठीक है, जुड़वा, जिसे हम बोलते हैं क्लोन, बिल्कुल एकदम सेम, ठीक है। इट इज़ अ फास्टर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और ये क्या है, एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, एक फास्टर मोड है रिप्रोडक्शन का, ठीक है, अपनी नई जनरेशन को प्रोड्यूस करने का सबसे फास्टर मोड कौन सा मोड है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोड है। अब ये एसेक्सुअल मोड हमें किन किन ऑर्गेनिज्म में हमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, हाइड्रा, अमीबा और बैक्टीरिया, ठीक है। अमीबा एक प्रोटोजोअन है, हाइड्रा एक सेलेंट्रेट है, और अब बैक्टीरिया बैक्टीरिया है आपके, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में, कौन कौन से इसमें मोड होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस दिखाते हैं, ठीक है, बात करते हैं।